आज गुरु जी हम लोगों के साथ हैं, ठीक है ना। हमें इनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए, क्यों, ठीक है ना जी। तो आज हम इनके समक्ष बर्तनी संबंधी समस्याओं को रखते हैं और इनसे उन बर्तनी संबंधी समस्याओं के निराकरण को भी पूछते हैं, ठीक है ना जी। हाँ गुरु जी, कुछ शब्दों के उच्चारण और लेखन में अंतर पाया जाता है। यह देखा गया है कि हम जिस रूप में उसका उच्चारण करते हैं उससे अलग हट करके लिखते हैं, तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं उसे कैसे बचा जाए। जी हाँ, हमारा यही जो प्रयोजन है, पूछने का यही प्रयोजन है। आपने जो प्रश्न पूछा है जी, ऐसी त्रुटियां प्रायः विसर्ग लेखन में और राग के साथ अन्य शब्दों के संयोग में होती हैं, जो अन्यवर्ण संयोग में आते हैं जी, उनके साथ हो जाती जी, है जी। जैसे विसर्ग को लीजिए जी, इसका उच्चारण आधा हा जैसा होता है जी, जी। विसर्ग का प्रयोग प्रायः हम कभी कभी शब्द के मध्य में और प्रायः शब्द के अंत में रखते जी, हैं जी, जी। किंतु सर्वत्र हा के आया आधा हा के जगह पर विसर्ग का प्रयोग नहीं करते। गुरु जी, तो विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसा हमने बताया ना कि शब्द के बीच में तो कहीं कहीं होता है, जैसे दुख लिखते हैं, लेकिन ये प्रायः शब्द के अंत में आता है, जैसे अतः लिखें, प्रातः लिखते हैं, समझ रहे हो ना जी, वस्तुतः लिखते हैं, शनैः शनैः कहते हैं, तो ये शब्द के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है। मध्य में दुख इत्यादि शब्दों में कहीं आ गया तो आ गया, अन्यथा मध्य में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम है। कुछ शब्दों में तो बीच में विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे प्रातः काल हुआ या अंतःकरण हुआ। आपने प्रश्न ठीक किया है। असल में कुछ शब्द ऐसे हमारे यहाँ हैं जिनको यौगिक शब्द कहते हैं जी। यौगिक शब्द से अभिप्राय है जो दो शब्द जुड़कर बनते हैं जी, वो यौगिक शब्द हैं। जैसे माल गाड़ी है तो माल एक शब्द है, गाड़ी एक शब्द है, दोनों को जोड़ दिया। स्नानागार बनाया तो स्नान एक शब्द है, आगार एक शब्द है, जोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना जी। उसी प्रकार जब प्रातः काल हम कहते हैं तो प्रातः एक शब्द है जी, और काल दूसरा शब्द है। इसी प्रकार मनः स्थिति है जी, तो मनः एक शब्द है जी, स्थिति दूसरा शब्द है। तो ऐसे शब्दों को हम जोड़ते हैं जब जी, तो कभी कभी इस जोड़ में वो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है जी, और कहीं कहीं पर कुछ नियम के अनुसार वो विसर्ग अन्य वर्णों में भी बदल जाता है। अच्छा। जैसे आप यूं कहिए, दुह शील लिया हमने जी, या दुह चरित्र लिया जी। अब इसको जब जोड़ते हैं तो दुष्चरित्र हो जाता है जी। इसी तरह अंतः गत है, अब अंतः और गत इन दोनों को जोड़ेंगे जी, तो अंतर्गत हो जाएगा, यहां पर विसर्ग को रा हो जाता है। लेकिन अंतःकरण है, प्रातः काल है, पुनः पुनः है, शनैः शनैः है, इनमें विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये विसर्ग शब्द के मध्य में नहीं है, वस्तुतः ये विसर्ग पहले शब्द के अंत में है, और दूसरे शब्द से जब इसका योग बनकर एक यौगिक शब्द बना तो वो पहले शब्द के अंत में जैसे पहले था वैसे ही बना रह गया जी। ये होता है। समझ में आया ना जी? ठीक है। अब दूसरा बिंदु आता है कि रा के साथ अन्य वर्णों के संयोग से जो उच्चारण में त्रुटियां आती हैं वो भी इसी प्रकार की त्रुटियां हैं। एक तो सबसे बड़ी भ्रांति होती है जब तालव्य शा के साथ रा को जोड़ते हैं। तालव्य शा जब रा के साथ संयुक्त होता है तो उसकी आकृति में लिखते समय थोड़ा परिवर्तन किया जाता है जी। इसको जरा हम लेखन के साथ स्पष्ट करें तो और उचित होगा। रा के साथ अन्य शब्दों का जो संयोग होगा या अन्य वर्णों का जो संयोग होता है उसमें विचित्रता कुछ वर्णों के साथ संयोग में है। जैसे मान लीजिए ये तालव्य शा है, अब इस तालव्य के साथ, तालव्य शा जब रा के साथ संयुक्त होता है तो इसमें
परंपरा के रूप में जैसे अन्य वर्णों के साथ रा को जोड़ते हैं वैसे जोड़ देते हैं। तो ये राग का चिन्ह हुआ। राग का चिन्ह अन्य वर्णों में भी आप देखते हैं, का में जब का को राग के साथ संयुक्त करते हैं तो का की खड़ी मात्रा में टेढ़ी मात्रा राग लगा देते हैं, ठीक है ना बच्चे। गा जब लिखते हैं गा में राग लगाते हैं तो इसकी खड़ी में लगा देते हैं। तो परंपरा रूप में जैसे अन्य वर्ण राग के साथ संयुक्त होने में उन वर्णों की जो खड़ी लाइन है उसके साथ एक तिरछी लाइन नीचे खींच देते हैं वो रा का प्रतीक होती है, लिप चिन्ह होता है। उसी प्रकार तालव्य शा लिखते समय उसमें भी खींच देते हैं क्योंकि इसमें खड़ी रेखा है और खड़ी रेखा है उसमें लगा देते हैं प्रतीक के रूप में। किंतु ये जब लगाते हैं तो इसमें कभी कभी तो ये शा में जब रा लगाया गया तो इसमें थ्रा का भ्रम हो जाता है। जी हाँ जी जी, ऊपर जब लाइन खींची गई तो ये कहीं था मेरा का भ्रम न हो जाए। आजकल भा भी जब लिखते हैं तो ऊपर ये घुंडी बना देते हैं और इस तरह भरा बनाते हैं और ऊपर एक शीरो रेखा एक खींच देते हैं। पहले जो भा लिखते थे उसमें अलग अलग शीरो रेखा में अंतर करते थे, टूटी रेखा होती थी, अब यहाँ एक घुंडी सी बना देते हैं। तो कभी कभी ये हो जाता है कि इस घुंडी के साथ जब रा बनाया जाता है तो इसमें श्रा के स्थान पर भ्रा का भ्रम हो जाए, समझ में आया ना जी, या थ्रा का भ्रम हो जाए। तो इस ऐसा भ्रम ना हो इसलिए शा की आकृति में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया रा लगाते समय और इस शा को ये रूप दे दिया गया। अब ये लाइन जब खींची गई तो यहां से रा लगा दिया गया तो ये लिखने में अंतर नहीं है उच्चारण और लेखन में केवल इसकी आकृति में थोड़ा परिवर्तन किया गया, श्रा मिलकर श्रा हो गया, तब ये श्रा हो गया। जी हाँ बिल्कुल सही। और ये श्रा होने के कारण अब ये जो भ्रम कहीं थ्रा न हो जाए या कहीं भ्रा न हो जाए ये भ्रम दूर हो गया। जी हाँ ठीक। तो अब शा के साथ रा के जो योग है ये तो आप लोग बिल्कुल स्पष्ट समझ गए। आप एक प्रश्न और कर सकते हैं, पा इत्यादि के साथ जब जोड़ते हैं रा को तालव्य शा के साथ, शा के साथ तो हो गया, अब पा के साथ जोड़ने पर उसकी क्या रूपरेखा बनती है? देखिए पा का जो रूप बनेगा उसमें पूर्ण परंपरा का निर्वाह। आपने ये देखा है कि जैसे का के साथ जो खड़ी लाइन मिलती है उसी में रा लगाते, गा के साथ जो खड़ी लाइन मिलती है उसी में लगा देते हैं, जा के साथ जब वज्र इत्यादि लिखते हैं तो जा की जो खड़ी लाइन मिलती है उसी में लगा देते हैं। श्रुति समझ में आ रहा है ना? उसी तरह है ये पा का जो रूप है इसमें जो खड़ी लाइन मिली जिन वर्णों में खड़ी रेखा होती है उसी में रा को जोड़ देते हैं, ठीक है ना? ठीक। ऐसी स्थिति में पा का रा के साथ संयोग होता है। एक बात यहाँ बड़ी स्पष्ट आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर पा को जोड़ा गया है रा में, रा को पा में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना? जब हम प्रेम लिखते हैं तो प्रेम का अभिप्राय यह है कि पा आधा है यहाँ, रा पूरा है और इस रा में एक मात्रा लगाई गई। तो जब रा के साथ पा का संयोग हुआ अतः रा लिखते समय रा के साथ जब पा इत्यादि जोड़ा जाए तो जो खड़ी लाइन है उसी में एक टेढ़ी लाइन नीचे तिरछी लाइन कर दिया जाए तो वो रा का काम करने लगती है। आधा हो गया और रा पूरा रहा, लेकिन आकृति वही रही। आपके साथ प्रश्न के साथ एक समस्या जरूर आती है, क्या कभी कभी ऐसे वर्ण भी हमारे यहाँ वर्णमाला में है जिनमें खड़ी लाइन ही नहीं जी। जैसे टा टा है, अब टवर्ग में तो आप ऋण को छोड़ दीजिए, बाकी टवर्ग के चारों वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी रेखा नहीं, तब समस्या आ जाएगी। आप देखे होंगे टा है जी हाँ, ठा है, डा है, ढा है, इनमें खड़ी रेखा नहीं, किसी में नहीं है, किसी में नहीं खड़ी रेखा नहीं। अब अगर रा के साथ संयुक्त होने पर खड़ी रेखा में तिरछा होकर लगेगा तो अब प्रश्न यहाँ जरूर बनता है इनके साथ रा कैसे लगेगा। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा छा के दो रूप बनते हैं, एक तो छा हम ये रेखा नीचे तक ले आते हैं, कभी कभी कुछ लोग छा लिखते समय ऊपर ही छोड़ देते हैं
ऐसी स्थिति में यहाँ तो नीचे आ गई, मान लीजिए रा के साथ संयुक्त करना, तो यहाँ हमारा लगा देंगे जी हाँ। लेकिन टा में ठा में डा में ढा में और इस छा में इनके साथ रा कैसे लगाया जाए, अर्थात इनका संयोग रा के साथ कैसे किया जाए जी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने अंग्रेजी में वी पढ़ा होगा जी, ये अंग्रेजी का यू वी है। इस वी को ही उलट करके इन वर्णों के नीचे जोड़ दीजिए, तो ये ट्रक ट्रक ड्रग हाँ आदि हो जाएगा। तो इनको जोड़ने से जो रूप बनेगा जी हाँ। वो टा के साथ टा का योग जब रा से करेंगे तो ये जोड़ दिया जी हाँ। तो ये ट्रा हो, ये ट्रा हो गया टा के साथ। अब ट्रक अगर ट्रक लिखते हैं तो उष्ट्र लिखेंगे, तब रा की आकृति इस प्रकार चल जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी। तो इन वर्णों में जहां पर नीचे खड़ी लाइन नहीं आती वहां पर केवल ये चिन्ह लगा दिया, ये अंग्रेजी के वी का उल्टा हुआ रूप इनके साथ जोड़ देंगे जी। और जोड़ करके रा जोड़ देंगे तो ये ट्रक बन जाएगा, उष्ट्र बन जाएगा, ड्रग बनना है तो ड्रा में जोड़ देंगे, ड्रा बन जाएगा। छरा लिखना है तो इस छा में तो पद लगा दिया, यहाँ लिखना है तो इसके नीचे जोड़ देंगे हाँ, तो इस प्रकार रा के साथ इनका भी संयोग हो गया हाँ, तो इस तरह से हमने विसर्ग का प्रयोग भी समझ लिया और रा के साथ तालब्य शा और पा का प्रयोग भी समझ लिया। ठीक है, तुम लोग समझ में आया बच्चों? तो फिर आओ बच्चों, जरा सा लिख कर तो दिखाओ अगर समझ में आया है तो। हिमांशु तुम जरा ड्रम ट्रक ये लिख कर तो दिखाओ, कैसे लिखेंगे? हाँ आप लिखिए, ड्रम ट्रक लिखिए। हाँ ट्रक बिल्कुल सही, बहुत सही। ड्रम ठीक है, ड्रम ड्रम म म ठीक है। श्रुति तुम जरा अतः लिख के दिखाओ, मिटा लो, अतः लिखो। ठीक है, मयंक तुम पा और रा के प्रयोग को गुरु जी ने सिखाया प्रेम लिखकर दिखाओ। तुम मनः स्थिति लिखकर दिखाओ जी। जो विसर्ग बीच में आया है, समझ में आया था ना जी। हाँ मनः स्थिति, मनः स्थिति बिल्कुल ठीक, बहुत सही। ठीक है, तुम लोग की सब समझ में आ गया ना जी। ठीक है, तो आज गुरुजी ने हम लोगों को विसर्ग संबंधी समस्या का निरूपण किया और रा के साथ तालब्य शा और पा का प्रयोग संयोग होने पर उसका क्या रूपरेखा बनती है ये बताया। ये सब बात तुम लोगों की समझ में अच्छी तरह आई ना कि कभी कभी वैसे तो विसर्ग अंत में आता है जैसे अतः।